आप सब जानते हैं देश अमृत काल में इस समय प्रवेश कर चुका है और अमृत काल की समाप्ति तक हमने एक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य भी अपने सामने रखा है। साथियों 2047 तक हम भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक महाशक्ति बनाने की तरफ से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाते हुए भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरी इस फ्रेज से भी आप सत्ती इसका खतरा बराबर बना रहता है। इसलिए हमें अपने विवेक से टाइम और प्रोसीजर का एक बेहतर संतुलन बनाते हुए लोगों तक न्याय की सुलभ पहुंच उपलब्ध करानी ही होगी और आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने तो इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। To the people who are listening to this program and the men in uniform, my only message is that we are an impartial tribunal. We are here to give justice to you. In case you have any grievance, please be free to approach the tribunal. There had been disposal of more than 75% of the cases that was filed and granting some benefit to pensionary with regard to payment of pension to the employees. Our motto is we serve the people who serve the nation.